नमस्कार, आज आपका स्मार्ट शेफ में स्वागत है। हम बना रहे हैं आज गूंद के लड्डू। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक कटोरी गूंद, एक कटोरी आटा, आधी कटोरी बूरा, और ये हमने आधा नारियल कटा हुआ लिया हुआ है, इसे हम मिक्सी में पीस लें, बारीक पीस लेंगे। और ये 50 ग्राम बादाम और एक कटोरी मखाने। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे। और इसके लिए हमने लिया है आधी कटोरी घी। अब हम गैस चला लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। हमारा घी पिघल चुका है, बोल। हमारा घी पिघल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे आटा। आटे को धीमी आंच पर जब तक भूनेंगे तब तक ये ब्राउन ना हो जाए। बंद कर ले, बस कढ़ाई कढ़ाई करना चाहिए। अब ये धीरे धीरे ब्राउन होने लग गया है। अभी हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। अब धीमी धीमी आंच पे इसको ऐसे ही पकाते जाना, थोड़ा डार्क ब्राउन होने पर इसे उतार लेंगे। हाँ बोलूंगी ना। अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब हम ये गोंद गोंद को भूनेंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालते जाएंगे। और गैस मंदी रखनी है, जो धीमी धीमी आंच पे गोंद अच्छा फूलता है। हम थोड़ा थोड़ा करके सारा गूंद गूंद भून लेंगे। ये देखो गूंद भूनने के बाद ऐसे ब्राउन दिखने लगेगा। भून लेंगे। बादाम भून के तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम मखाने डाल देंगे।
गैस बंद कर दें, इन्हें निकाल लेंगे। अभी हम ये सारी चीज पीस लेंगे, बादाम, मखाने, और हम ये गोला भी बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। पहले हम बादाम पीसेंगे। ये हमने दरदरा मोटा बादाम पीसा हुआ है। अब मखाने पीस लेंगे। मखाने भी हमने मोटे दरदरे पीसे हुए हैं। अब हम इसमें गोला पीस लेंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने इसे बारीक पीसा हुआ है। पैन में हमने घी गरम कर लिया है। इन सब में हमें 250 ग्राम घी की जरूरत पड़ी हुई है। ये हमारा गोंद भी तैयार है, गोला भी तैयार है, मखाने भी तैयार है, बूरा भी। अभी हम ये सारी चीज इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने गोंद डाल लिया है। गोला डाल लिया है। ये मखाने और बादाम, ये दोनों भी डाल लिए हैं इसी में। और ये बूरा हम अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये जो पैन में हमने घी गरम करा है ये डालेंगे। अच्छी तरह से मिला के अब हम इसकी पिन्निया बना लेंगे। ये हम हल्के हाथ से लड्डू हैं, ऐसे लड्डू बना लेंगे। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे इतने सामान में ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गूंद के लड्डू, ताकत के लड्डू होते हैं ये।